गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें करना है टू स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। हमें यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज जो हैं इथेनोइक एसिड की, उसे स्टडी करना है। सबसे पहले ऑर्डर, दूसरा सोल्युबिलिटी इन वाटर, तीसरा इफेक्ट ऑन लिटमस, और फोर्थ रिएक्शन विद सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हमें जो है इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड की हमें यहां पर डिस्कस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूं, इसमें मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज इथेनोइक एसिड। जो आईयूपीएसी नेम होता है किसका, एसिटिक एसिड का, वो क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। सेकेंड, द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड इज CH3COOH। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड इज विनेगर लाइक। इसकी जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, विनेगर लाइक होती है। नेक्स्ट, एसिडिक एसिड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और ये हाईली सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर के अंदर। एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट इज फीबली आयोनाइज। देखिए, एसिडिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड होता है और ये बहुत ही कम आयोनाइज्ड होता है। क्लियर है? देखिए, वीक एसिड का मतलब क्या होता है, जब इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये बहुत कम जो है एच आयन्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ एसिडिक एसिड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बट इट डज नॉट अफेक्ट अ रेड लिटमस। अब देखिए, एसिडिक एसिड नाम से हमें पता लग रहा है एसिड होता है, इसलिए ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है, जबकि ये रेड लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। अब देखिए, नेक्स्ट है, एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। देखिए, एसिडिक एसिड को या तो आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट किसी के साथ भी अगर आप रिएक्ट कराते हो तो दोनों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसकी हम प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में पास करेंगे, तो जो लाइम वाटर चालू हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो इस रिएक्शन को एक बार आप समझ लीजिए। इसमें उन्होंने कहा है एसिडिक एसिड जो होता है वो एक तरह का वो एसिड होता है, और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, उसके साथ में वाटर जो है वो भी रिलीज होता है। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट को जब हम एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो सोडियम एसिटेट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस वाटर जो होता है वो रिलीज होता है। अच्छा, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिडिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो भी सेम रिएक्शन होती है। क्लियर है? हाँ, इसके देख लीजिएगा आप, जो बैलेंसिंग है वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट वाली तो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, एसिडिक एसिड वाली रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसके कारण लाइम वाटर जो है वो मिल्की होना चालू हो जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसिटेट विच हैज फ्रूटी स्मेल। अब देखिए, नेक्स्ट, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। देखिए, एस्टिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड और अल्कोहल को आपस में रिएक्ट कराते हैं, उससे क्या होता है, एक एस्टर बनता है। क्लियर? एस्टर क्या होता है, ये फ्रूट स्मेलिंग क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्लियर है? अच्छा, देखिए, अब मान लीजिए आप एसिडिक एसिड को इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस केस में एक तो इथाइल एसिटेट बनता है जो कि एस्टर होता है, प्लस
वाटर जो है वो रिलीज होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हम बोलती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 3 to 10% एसिटिक एसिड इज विनेगर। विनेगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर 3 से 10% जो है एसिटिक एसिड डाल देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 100% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड। जो 100% एसिटिक एसिड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों? इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ये अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस होता है, 16 to 17 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? 100% जो एसिटिक एसिड होता है इसे हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। अब देखिए सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है इसको मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा एम है, सबसे पहले देखिए अपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड है। टेस्ट ट्यूब रैक चाहिए जिसमें कम से कम 6 टेस्ट ट्यूब तो हो और एक बॉइलिंग ट्यूब हो, ड्रॉपर, बीकर, कॉर्क विद अ ग्लास ट्यूब बेंट ट्वाइस एट राइट एंगल्स, इस तरीके की आपको एक ग्लास ट्यूब चाहिए। अब देखिए केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, एसिटिक एसिड चाहिए आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, लाइम वाटर, डिस्टिल वाटर। अब देखिए प्रोसीजर, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है, सही, उसको दूसरी जो है टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके अंदर डिस्टिल वाटर हम डाल रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इससे हमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मिल गया और इसको हमने डी लेवल कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर क्यूब एसिडिक एसिड को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में कर देंगे और उसकी जो स्मेल है सही उसे देखेंगे। तो उसकी जो स्मेल है आपको कैसी दिखेगी बच्चों, उसकी पंजेंट स्मेल आपको दिखाई दे महसूस होगी, सही, जैसे कि विनेगर होता है। तो इससे हमें ये पता लग गया जो एसिडिक एसिड है उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, विनेगर लाइक होती है, पंजेंट। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप जो है एसिडिक एसिड का उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। और उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे, क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे और फिर एक ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर से क्या करेंगे, उंगली के ऊपर हम उस सॉल्यूशन को डालेंगे और फिर उसको स्वाद चखेंगे, सही, तो वो स्वाद जो है आपको सार टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सार होता है टेस्ट में, सही। और इससे हमें ये भी पता लग गया एसिटिक एसिड जो होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। अब हम एक ड्रॉप लेंगे एसिटिक एसिड की और उसको ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो आपको दिखेगा वो रेड हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे और उसके अंदर एसिटिक एसिड डाल देंगे। सही, तो आपको यहाँ पे गैस बनती हुई नजर आएगी। उस गैस को हम क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जाएंगे। सही, हमें चेक करना है ये जो गैस है वो कौन सी है। सही, आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गैस बनी है, जो इस डिलीवरी ट्यूब से इस टेस्ट ट्यूब में आ रही है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और ये बच्चों आपकी रिएक्शन है, बैलेंसिंग एक बार आप चेक कर लेना जरूर। सही, यहां पे शायद 3 नहीं आएगा, ये 3 नहीं आएगा यहां पर। अच्छा, नेक्स्ट इस डिलीवरी ट्यूब में क्या हो रहा होगा, सॉरी इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा होगा, जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा होगा, उसके कारण लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो रहा होगा। एक बार बच्चों मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। Dropper. Take
one drop of acetic acid in a clean test tube. Add 10 milliliter of water in the test tube. Take a drop of acid from this very dilute solution and taste it. Observation: it has a sour taste. Acetic acid dissolves in water. Inference: acetic acid has a sour taste. It is soluble in water in all proportions. 3. Effect on litmus. With the help of dropper, pour one drop of acetic acid on blue litmus paper. Observation: litmus paper turns red. Inference: acetic acid dilute turns blue litmus red. 4. Reaction with sodium bicarbonate. In a clean test tube, put a pinch of sodium bicarbonate. Pour about 5 cc of dilute acetic acid in the test tube. Immediately fix a cork with delivery tube in the mouth of test tube. On the other end of delivery tube, place lime water contained in another test tube. Observation: a brisk effervescence takes place with evolution of a colorless gas. Lime water turns milky on the passage of gas. Inference: the sodium carbonate reacts with acetic acid to liberate carbon dioxide gas. NaHCO3 plus CH3COOH forms 3CH3COONA plus H2O plus CO2. Lime water turns milky because carbon dioxide gas reacts with it to form insoluble calcium carbonate. CaOH2 plus CO2 forms CaCO3 plus H2O. बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिकल था। अब देखिए, अब इसके और कुछ बेस्ड वन मार्कर आते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द विनेगर लाइक ऑर्डर इज गिवन बाय। देखिए, आपको बताना है इन सब में से विनेगर लाइक ऑर्डर किसका होता है। वो होता है बच्चों एसिटिक एसिड का। दूसरा क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। जो केमिकल फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का, वो क्या होता है बच्चों? ये गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे 3 नीचे आएगा, सही? तो वो होता है CH3COOH। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है द IUPC नेम ऑफ द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का IUPC नेम क्या होता है बच्चों? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड इज, एसिटिक एसिड का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है पंजेंट लाइक। एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है बच्चों? विनेगर लाइक होती है, सही है? तो आप क्या करोगे, यहां पे विनेगर लिख कर आओगे, सही? थोड़ी बहुत होती है पंजेंट, पूरी नहीं होती है, तो आप इसमें विनेगर लाइक लिख कर आएंगे। नेक्स्ट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? वो 100% एसिटिक एसिड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस पेपर इज टर्न रेड बाई। देखिए, ब्लू लिटमस को कौन रेड करता है? एसिड करता है, सही है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एसिड है, तो ये एसिटिक एसिड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, द गैस लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन सब्सटेंस एक्स टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सब्सटेंस एक्स इज। देखिए, जब भी हम किसी एसिड को
मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की कर देती है। तो इसका मतलब ये जो एक्स होगा ये क्या होगा, या तो मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बच्चों वन मार्कर है, इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एट्थ क्वेश्चन, व्हेन एसिडिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर मिक्स इट इज ऑब्जर्व डेट अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज लिबरेटेड विद एफरवेसेंस। दूसरा, अ कलरलेस गैस लिबरेटेड टर्न्स मोइस्ट ब्लू लिटमस रेड। सी, अ कलरलेस गैस लिबरेटेड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो देखिए ये तीनों की तीनों जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईच वन, मतलब डी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। जब भी हम एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस क्या होती है, रिलीज होती है विद एफरवेसेंस, क्लियर है। और ये जो कलरलेस गैस होती है ये क्या करती है, टर्न्स मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये क्या करती है, ब्लू लिटमस को क्या करती है, रेड कर देती है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, क्लियर है। तो जब इसको हम मोइस्ट लिटमस में पास करते हैं तो वो उसको क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कलरलेस गैस लिबरेट होती है ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की भी कर देती है। तो बच्चों इसके जो है ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, तो डेट मीन्स डी इसका सही पार्ट होगा, आंसर होगा, मतलब ईच वन, तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशन सही है। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है नेक्स्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपको ग्रुप पहचानना है। तो ये होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे इनमें सी डब्ल्यू एच आपको जरूर दिखेगा, क्लियर है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, द ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का जो बिहेवियर एसिडिक होता है वो किसके कारण होता है, वो इस पार्ट के कारण होता है, सी डब्ल्यू एच के कारण, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें उन्होंने कहा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी कंटेन एसिडिक एसिड एंड इथेनॉल सेपरेटली। ए में तो एसिडिक एसिड है और बी में क्या है बच्चों, इथेनॉल है। द ट्यूब विच कंटेन एसिडिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू लिबरेट अ गैस एक्स विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द गैस एक्स इज, तो आपको बताना है गैस एक्स कौन सी होगी बच्चों, गैस एक्स कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। क्यों, एसिडिक एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, रिलीज करता है, क्लियर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो भी क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पे गैस जो रिलीज होगी वो क्या होगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दे रखी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें उन्होंने कहा है एसिडिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl आर एडेड टू इट द कलर विल बिकम। देखिए एसिडिक एसिड जो होता है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, सही। अच्छा अब वो कहते हैं इस रेड लिटमस में जब आप फ्यू ड्रॉप डालोगे किसकी, HCl की, तो क्या होगा, कलर ब्लू हो जाएगा, नहीं, कलरलेस हो जाएगा, नहीं, रेड, हाँ रेड ही रहेगा वो, क्लियर है, उसका कलर जो है रेड ही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों इथेनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इथेनोइक एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है। व्हेन एन एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू इट द कलर विल चेंज टू, क्लियर है। अच्छा आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में टर्न कर देता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। तो अब देखिए
इन्होंने कहा इथेनोइक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब इस रेड लिटमस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन डालते हैं। NaOH क्या होता है, बेस होता है। तो जब आप बेस को रेड लिटमस पे डालोगे तो उसको क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए 14th, व्हेन एसिडिक एसिड इज हीटेड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द कंपाउंड फॉर्मेड। अच्छा आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम एसिड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है बच्चों, क्लियर है। अच्छा तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे एसिड की जगह एसिड में दे रखा है एसिडिक एसिड और एल्कोहल में दे रखा है इथेनॉल, तो इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर इथाइल एसिटेट जो है वो फॉर्म होगा, क्लियर है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें उन्होंने कहा है एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट, सही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब वो कहते हैं जब हम एसिडिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। दिस सॉल्ट ऑन हीटिंग विद अ सोडा लाइम, इस सॉल्ट को जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं सही, तो वो एक हाइड्रोकार्बन बनाता है एक्स। इस हाइड्रोकार्बन का आपको नाम बताना है, क्लियर है। तो वो बच्चों क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन, सही, क्लियर है। मीथेन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। ये आपके लिए रिएक्शन नहीं है तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है भाई। जब आप एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। और इस सोडियम एसीटेट को जब आप सोडा लाइम के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो कौन सी गैस बनेगी, मीथेन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर उन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड एट इज नॉट इन लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर। पहला इथेनॉल, इथेनॉल एल्कोहल होता है, ये बच्चों लिक्विड स्टेट में ही आपको मिलेगा। इथाइल एसिटेट, ये भी लिक्विड स्टेट में ही आपको मिलेगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ये जो है सॉलिड फॉर्म में फ्रीज हो जाता है 17 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं मिलेगा, क्लियर है। और वाटर जो है वो भी लिक्विड ही फॉर्म में आपको मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सिंबल्स आर यूजली शोन ऑन द बॉटल ऑफ द कमर्शियल एसिटिक एसिड। देखिए ये आपको जो है सिंबल्स मिलते हैं किस पर, जब भी आप कोई एसिड खरीदते हैं उसकी बॉटल पर होता है, क्लियर है। अच्छा अब ये सिंबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, द सिंबल इंडिकेट्स दैट एसिटिक एसिड इज पहला कोरोसिव एंड फ्लेमेबल, दूसरा रेडियो एक्टिव एंड इनफ्लेमेबल, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एंड कोरोसिव, फोर्थ फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव, सही। तो बच्चों इनमें जो पहला होता है ये तो कोरोसिव का साइन होता है, सही, इंडिकेट करता है, और दूसरा फ्लेमेबल को, क्लियर है। तो एसिड जो होते हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में, और दूसरा ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, क्लियर है। इसलिए जितने भी कमर्शियल आप एसिड खरीदोगे उनकी बोतल के ऊपर ये दोनों जो है फिगर ड्रॉ होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ सेफ्टी सिंबल्स यू नोटिस ऑन द बॉटल ऑफ कमर्शियल एसिटिक एसिड अवेलेबल इन लेबोरेटरी इज शोन इन। इनमें से कौन से जो है सिंबल कमर्शियल एसिटिक एसिड पर होते हैं बच्चों, ये लास्ट वाला होता है, पहला इसका मतलब होता है ये कोरोसिव है, दूसरा क्या मतलब होता है ये फ्लेमेबल है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ 5 ml ईच, अमाउंट ऑफ 5 ml ईच ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर आर मिक्स एंड शेकन वेल, सही। हमने क्या किया यहां पे 5 ml जो है एसिटिक एसिड लिया है और वाटर लिया है,
उसको हमने क्या किया है, मिक्स कर लिया है और उसको अच्छे तरीके से शेक कर दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है कंडीशन होगी। पहले में वो कहते हैं एसिड ऊपर होगा वाटर नीचे होगा, नहीं। क्लियर है? इसका सिंपल सा मतलब है एसिड जो होता है वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, वाटर जो होता है वो भारी होता है वो नीचे हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे में उल्टा दे रखा है, ऐसा भी नहीं होता है। तीसरा होता है बच्चों क्लियर सॉल्यूशन बनता है, इसमें क्या होता है एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? एसिडिक एसिड जो होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर के अंदर। तो जब भी इनका मिक्सचर आप बनाओगे तो एक क्लियर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टू एसिडिक एसिड यू इमीडिएटली ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस, हियर हिजिंग साउंड, गेट पंजेंट स्मेल, नोटिस फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इनमें से कौन सा जो है आप ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे? तो पहला वाला होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस जो होती है उसमें प्रोड्यूस होती है, वो किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टेस्टिंग द ऑर्डर ऑफ द गिवन लिक्विड। मान लीजिए आपको कोई लिक्विड दे रखा है उसका ऑर्डर जो है आपको चेक करना है, तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सबसे बढ़िया है। पहले में आप डायरेक्ट सूंघ रहे हो, सही, बीकर को अपनी नाक के पास ले जाते हो। दूसरे में आप थोड़ा दूर से ऑर्डर को स्मेल कर रहे हो। तीसरे में आपने जो बीकर है उसके अंदर एक कॉर्क लगा के टेस्ट ट्यूब लगाकर स्मेल कर रहे हैं, सही। और फोर्थ में आपने जो है सीधा बीकर के बीकर से क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, सही। तो बच्चों ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला सेफेस्ट है। क्लियर है? इसमें हम क्या करते हैं थोड़े बहुत जो फ्यूम्स होते हैं उसको वेव करते हैं अपने हाथ से और उसको हम क्या करते हैं सूंघते हैं। क्लियर है? तो ये बेस्ट मेथड होता है सेकंड वाला जो है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एडिड एसिडिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3 एंड 4 देन इंट्रोड्यूस अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब इन विच केस द कैंडल विल एक्सटिंग्विश। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको चार टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इसमें पहले में सोडियम कार्बोनेट है, दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट है, तीसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और फोर्थ में सोडियम क्लोराइड है। इन चारों में हम क्या कर रहे हैं एसिडिक एसिड डाल रहे हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से किस केस में जो गैस रिलीज होगी वो जलती हुई कैंडल को बुझा देगी। तो देखिए जलती हुई कैंडल को कौन बुझाता है, वो बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस केस में रिलीज होगी, इन दो केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जबकि थर्ड और फोर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ए इसका ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन जो ऊपर वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है इसमें कौन सी गैस फॉर्म होगी। तो यहां देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं एसिडिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो इस केस में क्या होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है? ये बच्चों इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहां पे इन्होंने कहा द गैस इवॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट शोन हेयर इज, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट में लिखना भूल गया हूँ। तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए, अब इसमें इन्होंने कहा है आपको एक मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी गैस जो है वो रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर, रिलीज होगी। जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा इफ वी पुट ब्लू लिटमस
इनटू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, अगर हम ब्लू लिटमस को क्या करते हैं एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, इट चेंजेस टू रेड, वो क्या होगा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसके डायग्राम यहाँ दे रखा है। देखिए ये एसिड है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं मेटल को डाल रहे हैं, तो उसके इसमें क्या होगी हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ से रिलीज होगी। क्लियर है? यहाँ पे कॉर्क लगाना भूल गए वो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लगा व्हाट इज रॉन्ग इन द गिवन सेटअप इफ द लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की। अब देखिए इसमें लगा यहाँ पर जो सेटअप है इसमें क्या गलती है। क्लियर है? ये जो सेटअप है इन्होंने देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको सोडियम कार्बोनेट और यहाँ दे रखा है एसिटिक एसिड आप यहाँ से डाल रहे हैं। क्लियर है? तो जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी और इस टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर डाल रखा है, मगर ये जो लाइम वाटर है मिल्की नहीं हो रहा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गलती है। पहली गलती है द थ्रिस्टल फनल इज नॉट डिपिंग इन एसिडिक एसिड सॉल्यूशन एंड CO2 गैस एस्केप्स। सही? इसमें ने कहा ये जो थ्रिस्टल फनल है ये एसिडिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं है। क्लियर है? अच्छा दूसरा सोडियम कार्बोनेट शुड बी टेकन इन सॉल्यूशन फॉर्म, हमें यहां पे सोडियम कार्बोनेट को सॉल्यूशन फॉर्म में लेना चाहिए था। थर्ड सोडियम सॉलिड एसिडिक एसिड शुड बी एडेड, यहां पर हमें जो है सॉलिड एसिडिक एसिड डालना चाहिए था। डी एपरेटस इज नॉट एयर टाइट, देखो एयर टाइट तो आपको दिख ही रहा है यहां पर। सही? तो यहां बच्चों गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है ये जो थ्रिस्टल फनल है ये एसिटिक एसिड, मान लीजिए एसिटिक एसिड यहां तक भरा हुआ है। सही? तो ये थ्रिस्टल फनल यहां तक आनी चाहिए थी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन तक। क्लियर? तो उस केस में क्या होता है यहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो यहां से थ्रिस्टल फनल में बाहर नहीं निकल पाती, वो यहीं से डिलीवरी ट्यूब से जा रही होती। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है ये जो थ्रिस्टल फनल है बच्चों इसको एसिटिक एसिड के अंदर डिप करना होता है। क्यों? अभी हमने इसको डिप नहीं कर रखा था, उस केस में क्या होगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस थ्रिस्टल फनल से क्या होगी एस्केप कर जाएगी बाहर की तरफ। सही? तो उस केस में क्या होगी बहुत कम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी यहां से इस टेस्ट ट्यूब में जाएगी।